हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एफईए का बुक फोर मॉड्यूल वो डे सिक्स। इस टॉपिक का क्या नाम है? इंट्रोडक्शन टू एडवांस लेवल। तो इस मतलब ये है जो अब आप लोग पढ़ेंगे एडवांस लेवल में मॉड्यूल वन से लेके सिक्स तक आप लोग पढ़ेंगे, तो आपका मतलब इसका पूरा इसमें इंट्रोडक्शन है, आपको क्या करना है, कैसे आप आगे जी सकते हैं, आपको मतलब इसमें आपको अवार्ड मिलेंगे, तो इसको पूरा इसमें टॉपिक के वाइज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है? क्योंकि इस पर एफईए का पूरा टोटल मैं पूरा एफईए का एडवांस लेवल करवाऊँगा, ठीक है? देखिए दिया है, अंडरस्टैंड द एडिशन टू लैंग्वेज कम्युनिकेशन देयर आर द स्किल द कंट्रीब्यूट टूवर्ड सक्सेस। मतलब इसमें आपको समझना है कि जो मतलब कि इसमें जो इसका इंट्रोडक्शन मतलब कि एफईए का जो कई स्किल्स है ना, कम्युनिकेशन स्किल के अलावा मीन्स कई स्किल और हैं, जैसे लीडरशिप हुआ और हमारा मीन्स टाइम सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ। तो इसमें मतलब समझना है कि ये आगे मतलब जो डे से वन से चलेगा आपका सिक्स तक, मतलब ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो इस स्किल को आप जो आपको सक्सेस दिलाने में कामयाबी करेगा, ठीक है? जैसे मतलब कि ए से सिक्स तक जो है उसको मतलब अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको सक्सेस दिलाने का मतलब सक्सेस मिल सकता है, ठीक है? अगला देखेंगे, दिया है अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंटल कॉन्टेस्ट, ठीक है? आपको मतलब एलिमेंटल कॉन्टेस्ट का मतलब क्या है अभी मैं बताता हूँ। एलिमेंटल कॉन्टेस्ट का मतलब है कि एक इनाम है, एक अवार्ड है आपको, मतलब आगे अगर आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आप अच्छा पार्टिसिपेट करेंगे, आप लीड करेंगे, डेली आएंगे, तो आपका पूरा सभी का पॉइंट जुड़ेगा और आपको इनाम दिया जाएगा, ठीक है? तो एलिमिनेटर कॉन्टेस्ट के बारे में अभी पूरा हम बता रहे हैं, अभी नीचे इसके बारे में पूरा बारीकी से बताएंगे एलिमिनेटर कॉन्टेस्ट क्या है, ठीक है? अगला देखेंगे, गेट अप्रिसिएशन बिहेवियर डू डॉन्ट्स टू विन द एलिमिनेटर कॉन्टेस्ट, ठीक है? तो मतलब आपको एलिमेंटल कॉन्टेस्ट को समझना है, क्या इसमें करना है क्या नहीं करना है, एलिमेंटल कॉन्टेस्ट का कुछ रूल है उसको फॉलो करना है और क्या नहीं करना है इसको, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है? वी ग्रुप्ड इनटू द हाउस गेट टू नो हाउसमेट, ठीक है? तो हम लोग का जो ग्रुप बनेगा उसमें हमारे जो हाउसमेट होंगे इसके बारे में हम जानेंगे, इसके नीचे मैं भी सही बता रहा हूँ, ठीक है? प्लान स्ट्रेटजी विन, तो आपको प्लान बनाना है स्टडी द एलिमेंटल कॉन्टेस्ट को कैसे हम जीतेंगे, आपको इसको प्लान बनाना है, ठीक है? या इसको आपको स्ट्रेटजी बनाना है कैसे हम एलिमेंटल कॉन्टेस्ट को जीत सकते हैं, ठीक है? तो देखिए दिया है, अगला पार्ट भी दिया है, हाउस नेम्स एंड इट्स वैल्यूज। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा टीचर ऑफ द डे होता है वो इसमें आप टीचर आप देगा, एक टीम का नाम जो ग्रुप का रहेगा फायर रहेगा, एक ही टीम का नाम एयर रहेगा, एक टीम का नाम वाटर रहेगा, एक टीम का नाम अर्थ रहेगा, ठीक है? अर्थ रहेगा। तो इसमें मतलब इनका मतलब एक ग्रुप बटेगा, तो उसमें ग्रुप में एक टीम का नाम फायर अर्थ ऐसे रहेगा, तो एक ग्रुप में पाँच लोग रहेंगे, तो आप लोग को मतलब एक उसमें टीचर ऑफ द डे रहेगा, मतलब एक लीडर रहेगा, वो पूरा हर चीज़ों को लीड करेगा, वो मतलब कि जो वर्क मिलेगा वो मतलब उसको बढ़िया से मतलब तुम लोगों को लीडिंग करेगा, जैसे मैम करती हैं लीड करके पढ़ाती हैं वैसे वो उसको रूल रहेगा। मैम उसको मतलब अलग अलग हर दिन बना सकती हैं, चाहे जो रह सकता है इसमें अलग अलग बन सकते हैं, ठीक है? तो यही इसमें मतलब कि फायर का स्टैंड फायर मतलब कहाँ रहेंगे उनके पास, मतलब फायर उनका क्या रहेगा एनर्जी, ठीक है? मतलब वो एनर्जी पूर्वक रहना चाहिए जो फायर रहेगा, और ऐसे मतलब इसमें है कि इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है इस टॉपिक में, मतलब इसको जीतने के लिए क्या करना है तो ये समझना पड़ेगा, ठीक है? आप क्या है मतलब एलिमेंटल कॉन्टेस्ट क्या है आपको बता रहा हूँ अभी। एलिमेंटल कॉन्टेस्ट देखिए क्या है, देखिए दिया है एलिमेंटल कॉन्टेस्ट कब, ठीक है? एलिमेंटल कॉन्टेस्ट कब का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है? इसका मतलब एलिमेंटल कॉन्टेस्ट का मतलब कह सकते हैं इस मतलब क्या, किस लिए एलिमेंटल कॉन्टेस्ट को दिया गया है, ठीक है? देखिए तो देखिए दिया है, लर्न एक्सप्लोर आइडियाज प्रेजेंट थॉट्स स्पीक कॉन्फिडेंटली ए लार्ज ग्रुप सिटिंग पब्लिक स्पीकिंग। मतलब जो पब्लिक स्पीकिंग में मतलब को रहेगा, मतलब जैसे हम लोग ग्रुप में बोलना रहता है तो कुछ लोग डरते हैं, तो इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप
का आप एक लीड कर सकते हैं, कैसे आप डिस्कशन कर सकते हैं, तो इसमें आपको ग्रुप डिस्कशन एलिमेंटल कॉन्टेस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ठीक है, ऐसे ही इसमें सब है, मतलब इसमें कुछ खास नहीं इस टॉपिक में, इसमें मतलब इसका समझना एडजेक्टिव यही है। ठीक है, तो आप जैसे लिसनिंग या रीडिंग स्किल्स हुए, ये सब फॉलो करके आप एलिमेंटल कॉन्टेस्ट को जीत सकते हैं पार्टिसिपेट करके। तो दिया है हाउस सिलेक्शन फॉर द एलिमेंटल कप। ठीक है, तो देखिए एलिमेंटल कॉन्टेस्ट मतलब कि हाउस सिलेक्शन फॉर द एलिमेंटल कप, तो इसमें दिया है कॉन्टेस्ट स्टार्ट मॉड्यूल A1 Day 1, मतलब मॉड्यूल 1 से Day 1 तक मतलब तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एलिमेंटल का कप का तुम्हारा रोल चालू हो जाएगा Day 1 से। मॉड्यूल जब Day 1 मतलब अब अगली जो टॉपिक रहेगा मॉड्यूल 1 Day 1 से तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा एलिमेंटल कप का रोल। ठीक है, आप एक अगर अच्छा प्रदर्शन करेंगे आप अपने टीम मेंबर को, मतलब तुम्हारा टीम मेंबर आएगा स्टार्टिंग से ही और लास्ट तक मतलब जब तक चलेगा, तो उसमें आपको अवार्ड मिलेगा। ठीक है, और अगला दिया है पार्टिसिपेट इन द पार्टिसिपेट इन इनटू द कॉन्टेस्ट विथ योर हाउसमेट्स, मतलब आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, आपको पार्टिसिपेट करना है इन द कॉन्टेस्ट विथ हाउसमेट। ठीक है, तो अपने हाउसमेट के साथ आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब यही एलिमेंट्री का रूल है। टोटल 5 मॉड्यूल्स रहेंगे आपका इसके बाद। अब Day 1 से मॉड्यूल 1 से वो 5 मॉड्यूल रहेंगे। ठीक है, वन और वन कॉन्टेस्ट पर 1 मॉड्यूल। ठीक है, तो मतलब कि पहले मॉड्यूल 1 से जो स्टार्ट होगा, तो आपको इनाम इनाम अगर लास्ट में अगर आप मॉड्यूल 1 जीत लेते हैं, मतलब तुम्हारा टीम मेट से जीत लेता है डेली आके और मॉक कंपटीशन करके अगर जीत लेता है, तो उसको मतलब कि कॉन्टेस्ट जीत जाएगा तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, देखिए अगला दिया है एलिमेंटल हाउस पॉइंट्स। एलिमेंटल हाउस पॉइंट्स मतलब क्या है, जो मतलब कि एलिमेंटल्स होंगे उसका हाउस हाउस मतलब जो तुम्हारे ग्रुप रहेंगे उसका पॉइंट्स कैसे जुड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग वैसे अगर डेली आएंगे अटेंडेंस का आपको 5 पॉइंट्स मिलेगा। ठीक है, डेली क्लास आएंगे, ठीक है, तो आपको 5 पॉइंट मिलेगा। अगर आप मॉक कंपटीशन करेंगे, मॉक कंपटीशन मतलब आप एक नया आपको मिलेगा कोर्सेरा ऐप, सो वहाँ से आपको 5 पॉइंट मिलेगा अगर डेली आप वीडियो वॉच करते हैं। फोकस लैंग्वेज ट्रेनिंग FLT और प्लस क्यूज, अगर आप FLT और क्यूज को फॉलो करते हैं तो आप 5 पॉइंट्स आपको मिलेगा। वोकैबी बिल्डर, अगर आप डेली क्लास में हो जो आपको वोकैब मिलता है डेली और यूज करते हैं, तो आपको 5 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो टोटल आपका 20 पॉइंट इससे मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या दिया है स्कोर बोर्ड। ठीक है, स्कोर बोर्ड दिया है मतलब कि आप Day 1 से आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको मतलब टीम मेंबर ए मेंबर टू मतलब डे का मतलब हर दिन ऐसे दिया रहेगा कि इतना इसका पॉइंट है। ठीक है, तो स्कोर बोर्ड यही मतलब एलिमेंटल कॉन्टेस्ट का सब स्कोर बोर्ड है। देखिए दिखा है पेनाल्टी पॉइंट। पेनाल्टी पॉइंट मतलब क्या होता है मेरे भाई, पेनाल्टी पॉइंट मतलब ये होता है जैसे कि हुआ कि अगर आप कुछ मतलब गलत करते हैं फॉर लूजिंग हाउसमेट, मतलब अपने हाउसमेट से गलत व्यवहार करते हैं या मतलब अपने हाउसमेट खुश नहीं रखते हैं, तो आप 5 पॉइंट अपना घटा सकते हैं। आप अपना 5 पॉइंट्स घटाएंगे। ठीक है, अगला दिया है डिसऑनेस्टी चीटिंग लाइंग इट से। अगर आप कोई मतलब किसी के थॉट्स चुराते हैं, मतलब किसी का कॉपी करते हैं नकल करते हैं, तो आपको -1 स्टार आपका कम हो जाएगा। ठीक है, 1 स्टार में आप जानते हैं 20 पॉइंट होता है। ठीक है, तो आपका 100 पॉइंट रहेगा तो आपका 80 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, दिया है क्रोकनली लेट फॉर 3 डेज। अगर आप 3 डेज लगातार आप नहीं आते हैं तो आप -5 पॉइंट, मतलब जैसे लेट आते हैं ना कुछ बच्चे क्लास में, तो अगर लेट आते हैं तो 5 पॉइंट वो मिस कर देंगे। ठीक है, अगला देखेंगे मॉड्यूल अवार्ड्स। मॉड्यूल अवार्ड्स कैसे मिलेगा? ठीक है, तो मॉड्यूल अवार्ड्स ऐसे तुम्हारा रहेगा। ठीक है, द हाउस विथ हाईएस्ट पॉइंट द मॉड्यूल विल बी डिजिटल सर्टिफिकेट, मतलब जो जो हाउसमेट रहेगा जैसे वायर वाटर वाला जीत गया, तो उसको एक ठीक है डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा फॉर विनिंग मॉड्यूल, और हर मॉड्यूल में मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपका एक मॉड्यूल दूसरा कोई जीत सकता है तो अगला मॉड्यूल में आप जीत सकते हैं, अर्थ वाला अगला मॉड्यूल के लिए प्रयास करें। तो जो जैसा मतलब
पार्टिसिपेट करेगा, जैसा आए क्लास करेगा, तो उसको रिवार्ड, उस सर्टिफिकेट, उस हाउसमेट को उस अवार्ड मिलेगा, ठीक है। ऐसे इसको अवार्ड मिलेगा, ठीक है, रिवार्ड सर्टिफिकेट ऐसे ही रहेगा, डिजिटल रहेगा। फाइनल विनर ऑफ द कप, ठीक है, अगर जैसे मतलब लास्ट में जो, ठीक है, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट वेट करिए। तो वैसे ही इसमें कुछ टॉपिक में कुछ है नहीं, एलिमेंट्री कॉन्टेस्ट को आपको जीतना है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन बताया। आगे आप अगर अच्छा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ बहुत खास नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, आपको समझना है सब चीज़ों को। तो आई थिंक इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ था नहीं। आपको अब अच्छा है, सतर्क रहना है, क्लास में पार्टिसिपेट करना है, वोकैबुलरी को यूज़ करना है, ठीक है। तो फाइनल विनर यहाँ में हम लोग थे। अगर हम जैसे ये था दिया है फाइनल विनर ऑफ द कप, अगर मतलब जैसे एट द एंड ऑफ मॉड्यूल 5, वन फाइनल विनिंग हाउस विल बी रिवार्ड द विथ वर्चुअल यूनिट कप, मतलब कि जो लास्ट में जो जीतेगा मॉड्यूल 5 को, उसको इनाम इस तरह मिलेगा, ठीक है। देखिए इस तरह इनाम आपको मिलेगा डिजिटल पूर्वक, ठीक है, वर्चुअल इवेंटल का है, ठीक है। अगर और देखिए लास्ट में फाइनल विनर ऑफ द कप, फाइनल विनर ऑफ द कप से मतलब 2 स्टूडेंट रहेंगे, हाईएस्ट इंडिविजुअल पॉइंट विल बी, मतलब जिसका हाईएस्ट पॉइंट रहेगा, मतलब कि अच्छा प्रदर्शन करेगा, क्लास में डेली आएगा, लेट नहीं होगा और पार्टिसिपेट करेगा, वोकैबुलरी बिल्डर करेगा और अपना बेस्ट देगा, उसमें आपको 2 लोगों को इनाम मिलेगा, क्लास किंग, ये क्लास का किंग रहेगा, अवार्ड सर्टिफिकेट, और लास्ट में ये क्लास किंग का सर्टिफिकेट मिलेगा तुमको, ठीक है। अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट से ये क्लास किंग मतलब कि लड़के कोई मिल सकता है, क्लास किंग मतलब कोई लड़की की मिल सकती है। तो अगर आप अच्छा प्रदर्शन करें तो ये सर्टिफिकेट आपको डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा, ये जो आपके भविष्य में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।